जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th, एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर 1. यू यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ए बी एंड सी आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड दिस मच. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है? यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है. ए में है 1, 2, 3, 4, तो जो बचे हैं वो सब आ जाएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट में, यानी कि 5, 6, 7, 8 एंड 9. ठीक है. सेकेंड पार्ट है बी कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं हैं. तो एक तो हो गया 1, 2 है तो आएगा 3, है ना, 4 है तो आएगा 5, 6 है तो आएगा 7, 8 है तो आएगा 9, यानी कि सम संख्याएं उसमें थी, इवन और ऑड आ गई बी डैश में. थर्ड है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट. ए यूनियन सी का संपूरक, सॉरी पूरक, ए यूनियन सी का पूरक. तो इसके लिए मुझे सबसे पहले लेना होगा ए यूनियन सी. तो ए और सी यूनियन, यूनियन याद है आपको, ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे, सी के सभी एलिमेंट्स आएंगे, बस जो रिपीट हो रहे हैं वो एक बार आएंगे. तो 1, 2, 3, 4 पहले मैंने पूरा ए सेट लिख लिया. अब सी चेक करते हैं, 3 है आ चुका है, 4 आ चुका है, क्या रह गया, 5 रह गया और रह गया 6. तो ये आपका बन गया ए यूनियन सी. अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू के वो टर्म्स, वो एलिमेंट्स जो अभी ए यूनियन सी में नहीं आ पाई. ये ए यूनियन सी है. ए यूनियन सी कहाँ से कहाँ तक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यू में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ चुका है यू में. तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आने वाला है? 7, 8, 9. समझ रहे हैं हिंदी वाले बच्चे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? पूरक, है ना. तो सिंपल चीज़ है, डैश बोल देते हैं. चलिए फोर्थ पार्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. तो मुझे सबसे पहले निकालना होगा ए यूनियन बी. अब ए यूनियन बी यानी पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिख लो, 1, 2, 3, 4 लिख लिया मैंने. अब बी के एलिमेंट्स 2 आ चुका है ना, 4 आ चुका है, 6 नहीं आया और 8 भी नहीं आया. तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी. अब हम क्या लेंगे, हमें लेना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका पूरक लेना है. ठीक है, यानी यू के वो एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में नहीं है. 1, 2, 3, 4, 5 आएगा इसमें सबसे पहला एलिमेंट, 5. 6 आ चुका है आएगा 7, 8 आ चुका है आएगा 9. तो ये आपका हो गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, 7, 9. पहले ए यूनियन बी निकाला और फिर देख लिया यू में वो कौन से एलिमेंट्स बच गए जो हमारे ए यूनियन बी में नहीं आ पाए, वो हमारा आंसर बन जाएंगे. नाउ फिफ्थ पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट. हम पढ़ चुके हैं ये ए आएगा, बट अब हमें शो करना है. सबसे पहले मैं ए सेट लिख लेती हूँ. ए सेट है मेरा 1, 2, 3, 4. ठीक है, इसके बाद हम लेने जा रहे हैं ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. तो ये कितना होगा? इट विल बी 5, 6, 7, 8, 9. ये हो गया आपका ए डैश. ठीक है, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए द्विपूरक, यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंटेशन आपको करना है. अब यू के वो एलिमेंट्स जो ए डैश में नहीं हैं. यू कहाँ से शुरू था? 1 से. कहाँ तक गया? 9 तक. यू था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आपको चाहिए ए डैश का डैश. तो ए डैश में क्या है? 5, 6, 7, 8, 9. तो यू के कौन से एलिमेंट्स 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है? 1, 2, 3, 4. अब आप देख लीजिए, आपको ए वापस मिल गया. इन दिस वे यू विल गेट योर ए बैक. तो ए डैश का डैश हमेशा वो सेट खुद होता है. नाउ सिक्स्थ है
बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मैं बी माइनस सी निकालूँ। याद है आपको बी माइनस सी क्या था? बी के वो एलिमेंट्स जो सी में नहीं हैं, ठीक है, केवल वही आएंगे इसमें, जो सी में हैं वो हट जाएंगे। बी के वो एलिमेंट्स जो सी में नहीं हैं, जो सी में हैं वो हटा दो। तो चलिए आते हैं यहाँ पर, ये रहा बी और ये रहा सी। टू को देखिए, टू है क्या सी में? नहीं है, तो टू आएगा, मैं अभी यहाँ पे बोल के बता रही हूँ। फोर, फोर सी में है? हाँ है, तो फोर नहीं आएगा, क्लियर। सिक्स है क्या सी में? है, तो सिक्स भी नहीं आएगा। एट है क्या सी में? नहीं है, तो एट आएगा। मतलब आपके आंसर में यानी बी माइनस सी में क्या आने वाला है? ओनली टू एंड एट, फोर और सिक्स हट जाएंगे। तो आपका बी माइनस सी हो जाएगा टू एंड एट। अब आपको फाइनली क्या चाहिए? आपको चाहिए बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी यू के वो एलिमेंट्स जो बी माइनस सी में नहीं हैं। तो वो आपके हो गया, एक तो वन, टू नहीं है, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड नाइन, एट विल नॉट कम इन इट, ठीक है, क्लियर हुआ। अब मैं देख रही हूँ क्वेश्चन नंबर टू को, यू गिवन है और आपको कॉम्प्लीमेंट्स बताने हैं, तो बताइए इसमें मेरे बताने लायक क्या है? ये तो आप स्वयं करेंगे, स्पून फीडिंग बंद, 11th में आ गए हो, स्वयं करो, ठीक।